परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। साधर्मी भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। अगली कड़ी आरंभ करने से पहले हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्ज्ञानं, नमो अध्यायानं, नमो भाइयों और बहनों, गत रविवार को हमने साहित्य की सुंदर परिभाषा पढ़ी। अपने अल्पमति के अनुसार आचार्य श्री के भावों तक पहुंचने का प्रयास किया, कुछ समझ में आया उतना पढ़ दिया। आचार्य श्री ने शाश्वत सुख की व्याख्या की है कि जो शाश्वत साहित्य सुख का समुद्भव संपादन करता है वही स्वीकारने योग्य है। वरना आजकल जिस प्रकार का साहित्य निर्माण हो रहा है वह एक राहु के समान शाश्वतता को ग्रस रहा है। तो संक्षेप में शाश्वत साहित्य की यह परिभाषा सुनकर भाइयों और बहनों, क्या आपके मन में यह विचार आया कि जैसे सच्चे देव सच्चे गुरुओं को हम परख कर लेते हैं वैसे सच्चे शास्त्र भी परख कर पढ़ने चाहिए? इस प्रकार का विचार अगर अपने मन में आता है तो अनायासी अशाश्वत सुख का संपादन न करने वाले साहित्य को अपने आप इस जिन शासन से बाहर होना पड़ेगा। हम आगे चलते हैं। इस साहित्य की व्याख्या को सुनकर कांटे पर बड़ा असर हुआ। हम कहाँ 112 पेज पर थे। उसने कांटे ने साहित्य का मंथन किया और वह मंथन मथक बना, मथने वाला बना या मंथन करने वाला बना। तो इतना आनंद आया उसे, उसका माथा उस साहित्य रस में डूब गया और इतना भाव विभोर हो गया कि एक टांग वाला था, उसकी टांगें टूट चुकी थी, फिर भी वह नाचने लगा, आनंद विभोर होने लगा। अब आगे चलते हैं पृष्ठ 112 पर। मंद मंद हंसता हंसता उसका हंसा एहसास कराता है शिल्पी को कि सदा सदियों से हंसा तो जीता है, दोषों से रीता हो, परंतु सबकी वह काया पीड़ा पहुंचाती है सबको। इसलिए लगता है अंत में इस काया का दाह संस्कार होता हो। हे काया, जल जल कर अग्नि से कई बार राख खाक होकर भी अभी भी जलाती रहती है वो आत्म को बार बार जन्म लेकर। अब यहाँ कांटा जो है वह अपने भाव यहाँ व्यक्त करता है। अपने मन में जो आनंद की तरंगे उठी है उस पर वह कुछ सोच रहा है और हंसते हुए उसका हंसा, कांटे का हंसा, कांटे की आत्मा। हंसा की उपमा क्यों दी है? क्योंकि हंस पक्षी, राजहंस पक्षी नीर क्षीर विवेकी होता है। दूध पानी मिलाकर उसके सामने रखो तो वह दूध सोख लेता है, चूस लेता है, पानी छोड़ देता है।
तो शाश्वत साहित्य को भी हमें इसी प्रकार चूस लेना है, ग्रहण कर लेना है, और बाकी जो अशाश्वत है, जो हमें सुख का संपादन नहीं कराता, उसको छोड़ देना है। आगे देखते हैं, तो उसका हंसा, उसके आत्मा शिल्पी को यह एहसास कराती है, शिल्पी को एहसास कराती है, बताती है कि सदा सदियों से हंसा तो जीता है, आत्मा तो सदियों से जीता है, वह तो अमर है, अजर है, न जन्मता है न मरता है, वह सदियों से जीता है। पर किस प्रकार जीता है? दोषों से रीता होकर वह जीता है, परंतु उसे तो किसी न किसी काया में रहना पड़ता है ना। सबकी वह काया पीड़ा पहुंचाती है सबको, सबके आत्माओं को वह काया, वह शरीर पीड़ा पहुंचाता है। कांटे का भी शरीर सबको पीड़ा पहुंचाता है, पर कांटे की आत्मा तो जीती है ना सदियों से, इसलिए लगता है कि अंत में इस काया का दाह संस्कार होता हो। क्यों जला देते हैं लोग काया को? इसलिए जला देते हैं कि वह काया, वह शरीर हमेशा आत्मा को पीड़ा ही पहुंचाता है, पाप के गर्त में ढकेलता है, नरक के गर्त में ढकेलता रहता है। तो कांटा कहता है, काया का दाह संस्कार शायद इसीलिए कराते हैं लोग, और हे काया, जल जल कर अग्नि से कई बार राख खाक होकर भी अभी तक भी जलाती रही है तू आत्म को। हे काया, कैसी हो तुम? तुम हमेशा जलती रहती हो अग्नि से, जला देते हैं तुम्हें आत्मा के चेतन के निकल जाने के बाद। जल जल कर अग्नि से कई बार तुम राख हुई, खाक हुई, फिर भी अभी तक जला रही हो इस आत्मा को, राख खाक होकर भी बार बार जन्म लेती हो। हे काया, तुम आत्मा के साथ बार बार जन्म लेती हो, चारों गतियों में जन्म मरण कर हम संसार में भटकते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, किसी न किसी शरीर में यह आत्मा निवास करता है। यद्यपि यह आत्मा हंसा, यह सदियों से जीता आया है, पर रीता की रीता ही है। यह रीता हंसा, यह रीता आत्मा किन बातों से रीता है? सब विकल्पों से रीता है। वह निज ध्रुव शुद्धात्मा, वह द्रव्य, द्रव्य जो शुद्ध द्रव्य है, वह सभी बातों से रीता है, अछूता है, कोई उसे छू नहीं सकता, अमूर्त है। इसलिए रीता शब्द यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। काटा अपने आत्मा का स्वरूप जान गया है कि यह जन्म जन्म से रीता ही है, दोषों से रीता है, कोई दोष उसमें नहीं है, वह दोष रहित है, शुद्ध है, उसमें कोई कलंक नहीं है। और कलंक तो कब लगते हैं हम सब जानते हैं, जब हमारा जीव, हमारा चेतन बुरे कर्मों में, विभावों में, पाप भावों में फंस जाता है, तो ये सारे विभाव भाव, पौद्गलिक वर्गणाएं, कार्मण वर्गणाएं, कार्मण शरीर का निर्माण कर हमारे इस शरीर को कलंकित कर देती है। परंतु मूल में जो हमारा शुद्ध आत्मा है, हंसा है, निरक्षीर विवेकी है, वह तो दोषों से रीता ही है। यह उस कांटे ने जान लिया और शिल्पी को एहसास भी करा दिया। इधर आगे चलते हैं, इधर यह लेखनी भी कहे उठी, आचार्य श्री की लेखनी, प्रासंगिक साहित्य विषय चल रहा है ना, उस पर यह लेखनी कहे उठी कि लेखनी के धनी लेखक से और प्रवचन कला कुशल से भी। आगे चलते 113 पेज पर, प्रवचन कला कुशल से भी
कई गुना अधिक साहित्यिक रस को आत्मसात करता है। श्रद्धा से अभिभूत श्रोता जो प्रवचन श्रवण कला कुशल है, हंस राज हंस सदृश नीरक्षीर विवेकशील, यह समुचित है कि रसोइया की रसनी रसदार रसोई का रसास्वादन कम ही कर पाती है, क्योंकि प्रवचन काल लेखक काल में लेखक दोनों लौट जाते हैं अतीत में। साहित्य के बारे में आचार्य श्री की लेखनी और बहुत कुछ सोच रही है, क्या कह रही है इस प्रासंगिक विषय पर आचार्य श्री की लेखनी कह रही है, किससे कह रही है, लेखनी के धनी लेखक से कह रही है। अब यहाँ तो मूक माटी के लेखनी के धनी स्वयं आचार्य श्री ही है, पर जो शाश्वत साहित्य के निर्माण करते हैं, उसकी परिभाषा करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उस पर टीकाएं लिखते हैं, भाषांतर करते हैं, उन सभी लेखकों को आचार्य श्री कह रहे हैं। इतना ही नहीं, लिखने वाले नहीं पर प्रवचन करने वाले भी उस पर प्रवचन कला कुशल से भी वह लेखनी कुछ कहना चाहती है। आचार्य श्री की लेखनी शाश्वत साहित्य का लेखन करने वाले लेखकों को अन्य लेखकों को कहना चाहती है, और जो उस पर प्रवचन करने वाले प्रवचनकार कला कुशल है उनको भी कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है? कई गुना अधिक साहित्यिक रस को आत्मसात करता है श्रद्धा से अभिभूत श्रोता जो केवल लेखकों को नहीं, प्रवचन कला कुशल करता प्रवचनकर्ताओं को ही नहीं तो श्रोताओं को भी कुछ कहना चाहती है ये लेखनी। कैसे श्रोता श्रद्धा से अभिभूत हो जाते हैं प्रवचन सुनते सुनते या ग्रंथ पढ़ते पढ़ते, शाश्वत साहित्य पढ़ते पढ़ते। जो श्रोता श्रद्धा से अभिभूत हो जाते हैं उनको भी यह लेखनी कुछ कह रही है। क्यों? क्योंकि साहित्यिक रस को आत्मसात करता है वह श्रोता। जो सुनने वाला श्रोता है, प्रवचन सुनने वाला श्रोता है, वह श्रद्धा से अभिभूत हो जाता है। किसके प्रति श्रद्धान होता है? उसे उस शाश्वत साहित्य के प्रति, उस प्रवचनकार के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति वह श्रद्धा से अभिभूत हो जाता है। प्रवचन श्रवण कला कुशल है ना, वो जो श्रोता है वह प्रवचन श्रवण की कला में कुशल है। लोग प्रवचन सुनने लाखों की भीड़ में जाते हैं, प्रवचन कला कुशल कितने हैं उनमें से? आपस में बातें करने वाले कितने हैं? नींद लेने वाले कितने हैं? सोचने का विषय है, इससे थोड़ा सा हट घर में भी बहक गई थोड़ी सी, पर जो प्रवचन कला कुशल है वह किसके समान होता है? हंस के समान, राजहंस के समान, नीरक्षीर विवेकशील होता है। तो आचार्य श्री की लेखनी लेखक को प्रवचन कला कुशल करने वाले प्रवचनकार को और श्रद्धा से अभिभूत होने वाले श्रोता को भी कहना चाहते हैं कि वह लिखते समय, प्रवचन करते समय और प्रवचन श्रवण करते समय भी वह जीव निरक्षीर विवेकी बन जाता है। यह समुचित है, इस पर एक दृष्टांत भी दिया है। यह समुचित है कि रसोइया की रसना रसदार रसोई का रसास्वादन कम कर पाती है। जो खाना बनाने वाला रसोइया होता है ब्याह शादी में हम देखते हैं, वह रसोइया स्वयं रसदार रसोई का रसास्वादन नहीं कर पाता, बस उसे देखकर बनाकर ही उसका पेट भर जाता है, उसके श्वास में भर जाती है वह सुगंध रसोई की, क्योंकि प्रवचन कला में प्रवचनकार लेखन काल में लेखक दोनों लौट जाते हैं अतीत में। क्यों नहीं वे रसास्वादन कर पाते हैं? क्योंकि प्रवचन करने वाला भी
और लेखन कला कुशल भी लेखक अपने अतीत में लौट जाते हैं, अपने अनुभवों में लौट जाते हैं, अतीत अपने भूतकाल में जो अनुभव किए हैं उन अनुभवों में वो लौट जाते हैं और उन अनुभवों का पुनः याद करके स्मरण करके वो लोगों के सामने लिखते हैं या रखते हैं या प्रवचन करते हैं उस पर। तो ये जो लेखन या प्रवचन होता है यह सब भूतकाल की अनुभूत स्मृतियां मात्र है। वे स्वयं उसका रसास्वादन नहीं कर पाते पर वे स्मृतियां जागृत हो जाती है। दोनों लौट जाते हैं अतीत में, भूतकाल में लौट जाते हैं, भूतकाल की बातें याद करते हैं जो उनके गुरु के मुख से उन्होंने सुनी थी, वह गुरु साक्षात उनके सामने साकार हो जाते हैं, वो ग्रंथ सामने साकार हो जाते हैं, उन ग्रंथों की पंक्तियां उनके सामने साकार हो जाती है और इस प्रकार वे अतीत में लौट जाते हैं। उस समय प्रतीति में न रस रहता है न निरसता की बात, बस कोरा टकराव रहता है लगाव से रहित अतीत से। बस कोरा टकराव रहता है उस समय उनकी प्रतीति में, लेखक की या प्रवचनकर्ता की प्रतीति में कोई रस नहीं होता न कोई निरसता होती है। रस निरसता से परे वह अपने अनुभव से ही टकराव करता है, अपने अनुभव से ही जाकर भिड़ जाता है और उससे अतीत से कोई लगाव नहीं रहता। उस अतीत से उसे कोई लगाव नहीं रहता, कोई आसक्ति नहीं रहती, कोई ममत्व नहीं रहता, बल्कि वह तो अपने अनुभव में लौट जाता है, अपने अनुभवों में लौट जाता है और उस अनुभव को ही वह जैसे पुनः स्मृतियों के माध्यम से जीता है। इसलिए ज्ञान के जितने भी अंग है उसमें स्मृति भी एक अंग है, ग्रहण भी एक अंग है, आकलन एक अंग है ना, ऐसे अंग है उसके। तो स्मृतियों में वह लौट जाता है। तो लेखक और प्रवचनकार यह अपने अनुभव की बात लोगों के सामने, श्रोता के सामने या वाचक के सामने रखते जाते हैं। अब शिल्पी का आगमन हो रहा है माटी की ओर, कथा अब आगे चलती है। शिल्पी का आगमन हो रहा है माटी की ओर, अब शिल्पी को फूली माटी को रौंदना है, रौंद रौंद कर लोदा बनाना है। रौंदन की क्रिया भी वह अगले पृष्ठ पर चलते हैं, 114 पृष्ठ। रौंदन की क्रिया वह हथेलियों से संभव नहीं, स्निग्धता की अधिकता माटी में और लाना है ना, स्निग्धता की अधिकता माटी में और लाना है ना, गोंद बनाना है उसे। तो ऐसा कार्य पगतलियों से ही संभव है यह, कारण कि कर्तव्य के क्षेत्र में कर प्रायः कायर बनता है और कर मांगता है कर, वह भी खुलकर। इतना ही नहीं, मानवता से घिर जाता है और मानवता से गिर जाता है। पांव से ही क्यों रौंदनी है माटी को, गोंद बनाना है उसे, इतना मुलायम बनाना है कि गोंद जैसा बनाना है उसे। तो यह गोंद बनाने की क्रिया, रौंदने की क्रिया पगतली से ही संभव है, पांव से ही उसे कुचलना है। एक पांव उठाता है दूसरा धरता है, कुमार जो रहता है वह मिट्टी को, गीली मिट्टी को इस प्रकार रौंदता है कि पांव से बार बार उसे नीचे ऊपर करके रोमता है। यह पगतलियों से ही संभव है, कर से संभव नहीं, हाथ से संभव नहीं। क्यों? आचार्य श्री इसका कारण बताते हैं, कर्तव्य के क्षेत्र में कर प्रायः कायर बनता है। जहां कर्तव्य करना होता है वहां कर्तव्य
हाथों से नहीं किया जाता। हाथ तो कायर बन जाते हैं, डरपोक बन जाते हैं, भय से ग्रस्त हो जाते हैं। क्यों? कर प्रायः कायर बन जाता है और कर मांगता है कर। कर मांगना द्विरुक्ति है। देखिए जो अधिकारी है ना, शासकीय अधिकारी, उनका कोई काम निकालना हो तो उनको कर देना पड़ता है, यानी रिश्वत देनी पड़ती है, या शासन को भी हमें कर देना पड़ता है। कर मांगता है वह भी खुलकर, छिपकर नहीं, खुलकर कर मांगता है। इतना ही नहीं, वह मानवता से गिर जाता है। मानवता, मान कषाय, मान कषाय से वह ऐसा गिर जाता है कि मैं ही यह काम कर सकता हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, इतना दो तो करूंगा, नहीं तो नहीं। पर ऐसा करना, कर मांगना किसी से भी, खुलकर मांगना वो भी, पैसा मांगकर काम करना, यह मानवता से गिर जाना है। इसमें कोई मानवता नहीं रहती। तो कर पर एक द्विरुक्ति यहाँ आचार्य श्री ने बताई है कि कर कायर बन जाता है, पर कर्तव्य के क्षेत्र में ये पगतलिया ही अपना काम बराबर करती है। यहाँ कर्तव्य का क्षेत्र, इस शब्द को जरा अधिक समझना होगा। जब हमारे गुरुजन विहार करते हैं तो क्या हाथों पर चलते हैं? कर किसी काम के नहीं, उनके क्षेत्र में उनका कर्तव्य का क्षेत्र है विहार करते चले जाना, जो पगतलियों से ही संभव है। भरी धूप में, ठंड में, बरसात में बस वे चलते रहते हैं, अपने पग के आश्रय से पांव उठाते रहते हैं, इतने जल्दी जल्दी चलते हैं। कोई महाराज के साथ आप चलकर देखिए, आपको दौड़ना भागना ही पड़ता है उनके साथ। तो पगतलियों से ही यह कर्तव्य क्षेत्र पूरा करना संभव है। यह कर का काम नहीं, हाथ का काम नहीं है। यह कर्तव्य क्षेत्र पांव के सहारे, विहार के सहारे ही पूरा होता है। यह एक छोटी सी बात यहाँ निकल आती है। और इस प्रकार कर से कर मांगना, यह मानवता, मानवता से गिर जाना है, गिर जाना है, और मानवता से, मनुष्यता से, इंसानियत से गिर जाना है। अच्छी बात नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के याद आ गए, कोई भी कविता उनकी, यह अच्छी बात नहीं है कहते थे। चलो ठीक है, इससे विपरीतशील है पांव का, कर से विपरीतशील है पांव का, परिश्रम का कायल बना वह, पूरे के पूरा परिश्रम कर प्रायः घायल बनता है, और पावनता से मिलता है, पावनता से खिलता है। ये पाव की गुण विशेषता बताई है यहाँ। ये जो पाव है, इनका शील कर से विपरीत है, परिश्रम के वे कायल है, इच्छुक है, परिश्रम को चाहने वाले हैं, पूरा का पूरा परिश्रम करते हैं और घायल भी बन जाते हैं। परिश्रम करते करते पांव घायल बन जाते हैं। हम देखते हैं भरी गर्मी में विहार करते हुए हमारे मुनियों के, गुरुओं के चरणों में फोड़े बन जाते हैं और खून भी टपकता है। भरी ठंड में भी वे बिना वस्त्र के नंगे बदन चलते हैं तो क्या नहीं सहना पड़ता, उनका वर्णन करना अपनी क्षमता से बाहर है। वही कर सकता है जो उसके अनुभूत होता है। तो यह पूरे के पूरे परिश्रम कर प्रायः वह घायल बन जाता है पांव, और पावनता से मिलता है, पावनता से मिलता है, पावनता से, नम्रता से, नमी से मिलता है। एक प्रकार की नम्रता उसमें निर्माण हो जाती है। क्यों? नता से मिलता है, हम लोग उनके चरण छूते हैं, उनके सामने हम नम्रता प्रकट करते हैं चरण छूकर। ये चरण छुए जाते हैं, नता बन जाते हैं लोगों के लिए, श्रद्धावान लोगों के लिए खासकर। और ये पांव पावनता से खिलते हैं, पावनता से खिलते हैं, पवित्र होते हैं।
तो इस प्रकार यह जो पांव का कार्य है यही मनुष्य को आगे 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 बढ़ाने वाला है, इस जीव को इस आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे आगे चलने वाला है। कथा में थोड़ा सा और यहाँ बदलाव दिखाते हैं आचार्य श्री। लो यकायक यह क्या घटने को, श्वास का सूरज वह अस्ताचल की ओर सरकता सा, शिल्पी का दाहिना पद चेतना से रहित हो रहा है, खून का भाव था जिसमें उसमें अब खून का जमाव हो रहा है। और अगले पेज पर चलते हैं, 115 पेज पर। और दूसरा पद कुछ पदों को कहता है, पद पद पर प्रार्थना करता है प्रभु से कि, लंबी थोड़ी बात है, इतनी ही पढ़ेंगे। यकायक क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये क्या घट गया, क्या प्रसंग आ गया। श्वास का सूरज जैसे अस्ताचल की ओर ढलने लग गया, श्वास रुक गई किसकी, शिल्पी की। उसका दाहिना पर जो है, पद जो है वह चेतना रहित हो गया, जड़ हो गया, उठता ही नहीं है, नीचे ऊपर नहीं हो रहा है। जिसमें खून का बहाव था उसमें अब खून का अभाव हो रहा है, जैसे उसका खून जम गया हो। और दूसरा पद कुछ पदों को दूसरा पद कुछ पदों को कहता है, पद पद पर प्रार्थना करता है प्रभु से। दूसरा पद कुछ पदों से कहता है, ये दो शब्द हैं यहाँ पद। दूसरा पांव कुछ पदों को कहता है, कुछ वाक्यों को कहता है, कुछ विचारों को कहता है, कुछ रचनाएं उसके मुख से निकलती है। और पद पद पर वह प्रभु से प्रार्थना करता है, पग पग पर, बात बात पर प्रभु से वह प्रार्थना करता है। पदाभिलाषी बनकर पर पद पात न करूं, उत्पात न करूं, कभी भी किसी जीवन को पद दलित नहीं करूं, हे प्रभु, हे प्रभु। और यह कैसे संभव हो सकता है, शांति की सत्ता सती माँ माटी की, माँ माटी के माथे पर पद निक्षेप, क्षेम कुशल क्षेत्र पर प्रलय की बरसात है यह, प्रेम वत्सल शैल पर अदय का पविपात है यह, सुख शांति से दूर नहीं करना है इस युग को, और दुख क्लांति से चूर नहीं करना है। पर दूसरा पद जिसमें अभी खून जमा नहीं है, जो अभी चल रहा है, और जो एक पद उसका जम गया है, चेतना रहित हो गया है, उस पद की बात नहीं है, ये दूसरे पद की बात है। वह कुछ वाक्य कहता है, कुछ पद कहता है, और प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं पदाभिलाषी हूँ, और पदाभिलाषी बनकर पद पर पद पात न करूँ, किसी दूसरे को कुचलू नहीं, पदपात नहीं करूँ, उसके पाँव किसी दूसरी वस्तु को मैं अपने पांवों के तले नहीं रोंदू, ऐसा उत्पात नहीं मचाना चाहता मैं, कभी भी किसी जीवन को जीवन को पददलित नहीं करूं, हे प्रभु, किसी जीवन को मैं पददलित नहीं करना चाहता, पदों से नहीं रोंदना चाहता, कुचलना नहीं चाहता, हे प्रभु। और यह कैसे संभव हो सकता है कि शांति की सत्ता सती माँ माटी के पद पर माथे पर पद निक्षेप और मैं करूँ, ये कैसे हो सकता है, माटी तो मेरी माँ है, मैं उस पर पांव धरूँ, उसको पैरों के नीचे कुचलूँ, यह कैसे हो सकता है, मेरे मन में ऐसा भाव कभी नहीं आ सकता, मैं किसी पर भी पांव नहीं दे सकता, किसी को पददलित नहीं कर सकता, किसी के जीवन को मैं इस प्रकार पददलित नहीं करूं, यही मेरी अभिलाषा है, ऐसा उत्पात मैं नहीं कर सकता। और फिर मेरी माँ माटी तो शांति की सत्ता सती है, शांति की सत्ता सती है मेरी माँ माटी, उस पर मैं कैसे पांव धर सकता हूँ, पद निक्षेप कर सकता हूँ,
क्षेम कुशल क्षेत्र है उसका, और उस पर अगर मैं पद निक्षेप करूँ, पद रखूँ, पदों के तले उसे कुचलूँ, तो यह तो प्रलय की बरसात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी, सब कुछ बह जाएगा इसमें, प्रलय की बरसात। और प्रेम वत्सल शैल पर अदय का पविपात हो जाएगा यह, जो शैल जो पर्वत प्रेम वत्सल है, प्रेम की वर्षा करने वाला है, प्रेम देने वाला है, ऐसा शैल ऐसा पर्वत, उस पर यह तो अदया का प्रविपात हो जाएगा। जैसे उस पर अदया का मैं भाव कर रहा हूँ, पविपात हो जाएगा, ये पाप है, ये गलत बात है पविपात। सुख शांति से इसे दूर नहीं करना है किसी युग को। हे प्रभु, मैं इस युग को सुख शांति से दूर नहीं करना चाहता, और दुख क्लांति से चूर भी नहीं करना चाहता, किसी को दुख नहीं देना चाहता मैं। इस प्रकार के भाव उस दूसरे चेतन युक्त से पद से कहलाए जाते हैं। यहाँ आचार्य श्री पद की अभिलाषा कहते हैं, इसी प्रकार की अभिलाषा जिन्होंने कविताएं पढ़ी है। एक फूल की अभिलाषा थी, और वो फूल कहता है कि हे प्रभु, मैं किसी भगवान के चरणों में नहीं चढ़ना चाहता हूँ, किसी और मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, मुझे तो आप वहीं गिरा देना जिस रास्ते पर सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त। तो पद की अभिलाषा यहाँ इसी प्रकार की बताई है कि वह इस युग को दुख में नहीं ढकलना चाहता, किसी को पददलित नहीं करना चाहता, किसी पर न्याय नहीं करना चाहता। पर्वत हो या मिट्टी हो, पर्वतों माँ है ना, शांति की सती सत्ता है, उसको मैं भला कैसे रोन सकता हूँ पांवों के तले किसी दुष्ट भावना से, नहीं नहीं, यह काम मुझसे नहीं होगा। आगे चलते हैं। माटी में उतावले की लहर दौड़ाती है, स्थिति आवली की भी जहर छोड़ जाती है कि, अगले पृष्ठ पर चलते हैं, 116 पृष्ठ। यहाँ से अब आगे क्या घटता है पता नहीं, उस घटना का घटक वह किस रूप में उभर कर आएगा सामने, और किस रूप में आया हुआ उभार वह कब तक टिकेगा, उसका परिणाम क्रियात्मक होगा, यह सब भविष्य की गोद में है। तो बाएं पाँव की यह अभिलाषा सुनकर माँ माटी पर क्या असर हुआ, उसमें उतावली की लहर दौड़ाई, कुछ विचारों में उतावली हो गई, और उसकी स्थिति आवली एक जहर का विकल्प छोड़ जाती है उसके मन में। स्थिति आवली की, आवली क्या होती है, एक समय का हिस्सा है, जैसे समय कम से कम छोटे से छोटा काल का हिस्सा है, वैसे आवली भी है। तो आवली की स्थिति एक जहर छोड़ जाती है, मतलब क्षण मात्र वह विचार करती है, उसके मन में वह विचार जहर सा विषम भाव घोल देता है। और क्या भाव घोल देता है पार्टी के मन में वह, कि यहाँ से आगे अब क्या होगा पता नहीं, क्या घटना है पता नहीं, और उस घटना का घटक वह किस रूप में आएगा यह भी पता नहीं, क्या होगा, कब तक टिकेगा, उसका परिणाम क्रियात्मक होगा, क्या होगा, सब भविष्य के हाथ में है। इस प्रकार वह कुछ चिंता से घिर जाती है। परंतु भवन भूत भविष्य वेत्ता भगवत बोध में बराबर शाश्वत है। परंतु भवन भूत भविष्य वेत्ता भगवत बोध में बराबर शाश्वत है। क्या होगा हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारी जो ज्ञान की कक्षाएं हैं उघाड़ है, वह अत्यंत मर्यादित है, हमारा क्षयोक्षम सीमा में बंधित है, हम कह नहीं सकते कि अगले क्षण क्या होने वाला है, आगे क्या घटने वाला है, वह क्या घटेगा कब तक टिकेगा, इसका कोई ज्ञान हमें नहीं होता, हम बहुत अल्पमति है,
सामान्य मति है, हमारा ज्ञान भी मर्यादित है, पर जिसका ज्ञान अमर्याद है ऐसे भगवत बोध में वह बराबर झलकता है। यह भगवत बोध केवल ज्ञान क्या झलकता है उसमें, भगवत बोध में भवन भूत और भविष्य वेत्ता होते हैं वे, वर्तमान भूतकाल, भवन वर्तमान, वर्तमान भूतकाल और भविष्य की प्रत्येक पर्याय का परिणमन उनके केवल ज्ञान में झलकता है। वो जानते हैं कि अगली घटना क्या होने वाली है, कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, उसका परिणाम क्या होने वाला है, हम कुछ नहीं जानते। माटी के मन में यह एक बात ऐसा विचार छोड़ जाती है कि जिससे उसका चिंता का जहर उसके मन में मानो भूल जाता है, पर वह जानती है कि यह सब भविष्य के गोद में है और यह सब जानने वाला भगवत बोध बराबर भास्वत है। यह दिखाई देता है केवल ज्ञान में कि वर्तमान में क्या घट रहा है, भविष्य में क्या घटने वाला है और भूतकाल में क्या घटा है। माटी की वह मति मंदमुखी हो मौन में समाती है। म्लान बना शिल्पी का मन भी नमन करता है मौन को, पदों को आज्ञा देने में पूर्णता असमर्थ रहा, और मन के संकेत पाए बिना भला मुख भी क्या कहे। माटी की जो मति है वह मंदमुखी हो मौन में समा जाती है। मौन में कुछ नहीं बोलती माटी, क्योंकि वह अपने आप को जान लेती है कि मेरे ज्ञान की मर्यादा अत्यंत सीमा से बद्ध है, मैं अपने ज्ञान के उघाड़ के अनुसार कुछ नहीं कह सकती कि इसका क्रियात्मक परिणाम क्या होगा, कौन सी घटना होगी, कब होगी, कैसे होगी, कुछ नहीं बता सकती। और इसलिए वह मंदमुखी हो मौन में समा जाती है, चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती। और म्लान बना शिल्पी का मन भी नमन करता है उसके मौन को, माँ माटी के मौन को शिल्पी नमन करता है। कैसा म्लान बना, वह उदास हो जाता है, माटी भी कुछ नहीं बता सकती क्या होने वाला है, यह पाव चेतना से भरने वाला है या नहीं, दोनों पाँव काम करने वाले हैं या नहीं, क्या होगा, हाँ क्या हो गया। तो वह म्लान मुख हो जाता है और माटी के मौन को भी नमन करता है। क्यों, पदों को आज्ञा देने में वह असमर्थ है, पूर्णतः वह पदों को आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों, पद तो पुद्गल की पर्याय है, शरीर की पर्याय, शरीर का अंग है, और उसका मन उसकी चेतना उसको आज्ञा नहीं दे सकती। मन के संकेत बिना भला उसका मुख क्या वचन कहे, मुख भी कुछ नहीं कह सकता। क्यों कि मन से कोई संकेत नहीं मिलता, हमारे दो मन के भाव दो मन बताए हैं, एक द्रव्य मन एक भाव मन, भाव मन के संकेत बिना कोई ज्ञान नहीं होता, भाव मन के संकेत बिना कोई वचन क्रिया वचन तंत्र क्रियाशील नहीं होता, न मन क्रियाशील होता है, न वचन तंत्र क्रियाशील होती है, न काया क्रियाशील होती है, पद उस पद को आज्ञा नहीं दे सकता, वो काया का अंग है ना। तो वचन के अलावा उसका मन जो है वह मन का संकेत पाए बिना, भाव मन का संकेत पाए बिना वह वचन की क्रिया भी नहीं कर सकता, कुछ कहे नहीं सकता, बस वह भी मौन में को नमन कर देता है माटी के मौन। अब इस पर रसना कहे उठी, किसकी रसना, शिल्पी की रसना, अनुचित संकेत की अनुचरी रसना ही रसातल की राह रही है। यानी जो जीव अपनी जीव जीतता है, दुख रीतता है उसी का, सुखमय जीवन बीतता है, चिरंजीव बनता वही,
अगले पृष्ठ 117 पर, और उसी की बनती वचनावली स्व पर दुख निवारिणी संजीवनी बटी। बहुत सुंदर कल्पना है ये, थोड़ा इसको समझना होगा। शिल्पी की रसना कह उठती है, अब रसना कब बोलती है, वचन निकलते हैं मुख से और रचना रस में जीवा में रसना में हलन चलन पैदा होती है, तो वह रसना वह जीवा कह उठती है, अनुचित संकेत की अनुचरी रचना रसातल की राह रही है। जो रसना जो जीभा अनुचित संकेत की सहचरी बनती है, अनुचित संकेत के साथ चलती है, अनुचित संकेत का पालन करती है। अब ये अनुचित संकेत आता कहाँ से है? भाव मन से आता है। भाव मन ज्ञान ज्ञानोपयोग से जुड़ता है, और यह ज्ञानोपयोग भाव मन के द्वारा इस रसना को संकेत देता है। ये रसना क्या है? वचन तंत्र है। यह वचन यंत्रणा को संकेत होने पर वचन यंत्रणा में हलन चलन निर्माण होती है और वैसे ही वचन निकलते हैं। तो यहाँ रसना ही अनुचित संकेत की अगर अनुचरी बन जाए, भाव मन अगर अनुचित संकेत करे, विभाव की ओर दौड़ने को मजबूर करे, तो वह अनुचित संकेत की सहचरी हो गई रसना, यानी अनुचित वचन बोलती है रसना, अनुचित वचन की संकेत की सहचरी बनती है रसना, और वह कहाँ ले जाती है? रसातल को ले जाती है। कौन सा रसातल है ये? यह नरक का है रसातल। अनुचित वचन बोलना यह मनुष्य को रसातल की ओर ले जाता है। हास्य वचन, कौतुक वचन, इस प्रकार के जो क्रोध से भरे वचन, कषायों से भरे वचन, चुगली, इस प्रकार के जो वचन निकलते हैं रसना से, हमारे मुख से, हमारी वचन यंत्रणा से, वह हमें रसातल की ओर ले जाते हैं, डुबो देते हैं, हमें ऊपर नहीं उठाते। तो हितमित प्रयत वचन बोलना चाहिए का संकेत यहाँ दे रहे हैं आचार्य। हितमित प्रिय वचन बोलो, अनुचित वचन मत बोलो। जो रसना अनुचित वचन बोलती है वह रसातल की ओर ले जाती है, और जो अपनी जीभ जीतता है, केवल स्वाद के बारे में ही यह जीतना नहीं है, स्वाद को तो जीतती है रसना, पर अनुचित वचनों को भी जीतती है यह रसना, तब सुखमय बीतता है उसका जीवन। जो अनुचित वचन बोलती है रसना तो रसातल को जाती है, और जो अनुचित वचन बोलने से जीतता है अपनी रसना को, वो जितेंद्रिय है ना, अपने इंद्रियों को जीतता है, मन को जीतता है, रसना को जीतता है। ऐसी अनुचित वचन न सुनता है, न कहता है, न बोलता है, न देखता है, न उसका स्पर्शन करता है, ऐसे अनुचित वचन को जो जीतता है उसका दुख सारा निकल जाता है, दुख से उसका घड़ा जो है वो रीता हो जाता है, उसका आत्मस्वरूप रीता हो जाता है, शुद्ध बन जाता है, और उसका जीवन सुखमय बनता है, चिरंजीव बनता है। जीवन सुखमय बनना और चिरंजीव बनना, यानी उसको अपने शुद्धात्मा का स्वरूप दिखाई देता है कि कैसा है वह, क्योंकि दोषों से रीता जीवन ही हमारा शुद्धात्मा है, और वह चिरंजीव है। चिरंजीव जो कभी नहीं मरता, अमर है, चिरंजीव है। किसी को भी आशीर्वाद देते समय बड़े लोग कहते हैं चिरंजीव हो, यानी कभी मत मरना। अब ये देह तो जलती है, कभी ना कभी तो मरना पड़ता है, परंतु फिर भी हमारी आत्मा चिरंजीवी है, और उसी की बनती वचनावली
दुख से रीता होकर जो सुख का जीवन जीता है उसकी वचनावली जो बनती है वह स्व पर दुख निवारिणी होती है। अपना तो दुख निवारण करती है, दूसरों का भी दुख निवारण करती है। तो ऐसे स्व पर दुख का निवारण करने वाली मानो वह संजीवनी बटी है, संजीवनी औषधि जो है, जो आसन्न मरण को भी पुनः जीवित कर देती है, ऐसी संजीवनी बटी। यह जो हितमित वचन बोलने की, हितमित प्रिय वचन बोलने की कला है, यह उसके स्वयं को दुख को तो जीती ही है, पर को भी सुख का अनुभव कराती है। पर स्व पर दुख निवारिणी ऐसी है वचन कला है। इस वचन कला का वर्णन यहाँ रसना के माध्यम से, शिल्पी की रसना के सोच के माध्यम से आचार्य श्री ने हमारे सामने रखा है। और भी वह कह रही है कुछ, चलते हैं। चलना, अनुचित चलना और कुचलना, तीन बातें हैं। प्रसंग चल रहा है कुचलने का, कुचली जाएगी माँ माटी, फिर भला क्या कहूँ, क्यों कहूँ, किस विधि कहूँ पदों को। और गंभीर होती है रसना, उसकी वचन प्रक्रिया गंभीर हो जाती है शिल्पी की, उसकी रसना, शिल्पी की रसना गंभीर हो जाती है, कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह ये सोचती है तीन बातें, चलना, अनुचित चलना और कुचलना, तीन बातें हैं। चलना पैरों से चलना, चलना अपने सुख के संपादन के लिए जिस मार्ग से सुख का संपादन करने वाले गए उस मार्ग पर चलना, हे भगवान आपके बताए मार्ग से मैं चलना चाहता हूँ, ऐसा जब हम कहते हैं तो वह चलना सुख का संपादन करने वाला है। तो चलना दो प्रकार से हुआ, एक तो जीवा अनुचित वचन से चल देती है, चलने लगती है, बड़बड़ाती है, कुछ भी कहती है, पैरों तले जैसा कुचलते वैसा लोगों के मनों को कुचलती है। तो चलना और अनुचित चलना दो बातें हैं। चलना क्रिया है, वचन भी चलते हैं, और अनुचित चलते हैं तो रसातल की ओर ले जाते हैं, अनुचित चलते हैं तो रसातल की ओर ले जाते हैं, और जो उचित चलते हैं तो सुख का सागर निर्माण करते हैं, स्व पर के सुख को देते हैं, संजीवनी बटी के समान। और भी यहाँ एक बात कही है, प्रसंग चलता है कुचलने का। ये दो बातें तो हो गई, चलना अनुचित चलना, वचन क्रिया पर रसना का विचार इस पर हो गया। तीसरी जो बात है कुचलने की, उसकी बात यहाँ चल रही है। माँ माटी कुचली जाएगी, माँ माटी कुचली जाएगी, माटी के सिर पर पांव रख रख कर उसे रौंदा जाएगा, तो फिर भला मैं क्या कहूँ और क्यों कहूँ और किस विध कहूँ पदों को। मैं पदों को क्या कह सकती हूँ, कुछ नहीं कह सकती। और रसना गंभीर हो जाती है। जो उत्तर जवाब देना हमारी क्षमता से बाहर होता है तब हम कहते हैं हम कुछ नहीं कह सकते, इस पर हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं, मौन हो जाते हैं, कुछ कहना अनुचित चलना हो जाएगा। हमें तो समुचित चलना है, अनुचित समुचित, हमें समुचित चलना है, अनुचित नहीं चलना है। और कुचलना तो है ही नहीं, पर या तो पाव माटी को कुचलने की बात चल रही है ना, तो माटी के सिर पर पाव देना, क्या कहूँ मैं, कुछ नहीं कह सकती। एक प्रसंग याद आ जाता है, जो बेटे बड़े होकर अपने वृद्ध माँ बापों को, माँ को विशेषता, पावों से ठुकरा देते हैं, घर के बाहर निकाल देते हैं या वृद्धाश्रम में भेजते हैं, क्या वे अपनी माँ को
अपने पदों से कुचलते नहीं, रौंदते नहीं, उसके बारे में कुछ कहना अनुचित ही चलना होगा, अनुचित वचन होगा, गंभीर विषय है। रसना के लिए, हमारे वचन तंत्र के लिए ये गंभीर विषय है, हम यहाँ कुछ नहीं कह सकते। आगे चलती है, महकती इस दुर्गंध को शिल्पी की नासा ने भी अपना भोजन बना लिया। तभी तो माटी को कुचलने की अनुमति प्रेषित नहीं करती, वह इस घृणित कार्य की निंदा ही करती है। रसना का काम हो गया, अपना विचार उसने कह दिया और वह चुप हो गई। अब इस दुर्गंध को, इस अनुचित विचार को, अनुचित वचनों को शिल्पी के नाक ने भी सूंघ लिया। नासा शिल्पी के नाक में भी सूंघ लिया और उसने अपना भोजन बना लिया, उसको उसको निगल लिया, उसको खा लिया, उस पर सोचा। तभी तो माँ को माटी को कुचलने की अनुमति प्रेषित नहीं करती, वह इस घृणित कार्य की निंदा ही करती है। वह नासा थोड़ा सा अपने को मरोड़ती है, फूलती सी नासा पदों का पूरा समर्थन करती है। वह जो नासा है, शिल्पी की नाक है, वह इस दुर्गंध को सूंघ लेती है, महकती इस दुर्गंध को सूंघ लेती है। दुर्गंध भी महकती है, महक तो हम अच्छी गंध को, सुगंध को कहते हैं, पर यह दुर्गंध भी महक रही है, फैल रही है। उस दुर्गंध को शिल्पी के नाक ने अपना भोजन बना लिया, जान लिया उसको, और माटी को कुचलने की बात वह कभी, अनुचित बात को वह कभी प्रेषित नहीं करती। नासा वह नाक प्रेषित नहीं करता, अनुमति नहीं देगा, कभी नहीं, माँ माटी को कभी नहीं कुचलना, ये उसका भाव है। उस घृणित कार्य की वह निंदा ही करती है नासा। यह कार्य घृणित कार्य है, उसकी वह निंदा ही करता है। नाक थोड़ा सा अपने को मरोड़ती है, फूलती सी नासा पदों का पूरा समर्थन करती है। जब हमें कोई बात पसंद नहीं आती तो हम नाक मरोड़ते हैं और फूल नाक फूल जाती है हमारी क्रोध में। ऐसी वह शिल्पी की नाक नासा अपने को मरोड़ती, यानी उसके प्रति रोष व्यक्त करती, घृणित कार्य की निंदा व्यक्त करती हुई फूलती है और पदों का पूरा समर्थन करती है। क्या कहती है शिल्पी की नाक? पदों का इस कार्य से विराम लेना न्यायोचित है और पदोचित भी है। पांव उसका जड़ हो गया है ना शिल्पी का, तो शिल्पी का पांव इस प्रकार जड़ होना न्यायोचित है, उचित है, अच्छा किया उसने, जड़ हो गया। क्यों? कि वह पामाटी माँ माटी को कुचल नहीं रहा है, बहुत अच्छी बात है ये तो, इसकी अनुमोदना करती है वह और पदों का पूरा समर्थन करती है कि न्यायोचित है और पदोचित भी है। पदोचित पाँव के लिए योग्य और शरीर के लिए भी योग्य, पद उचित उसके पद के लिए, उसके भाव मन का जो पद है, जो स्थान है, उसके लिए भी उचित है। बाल भानु की भांति विशाल भाल को स्वर्णाभा को कुंदित भंगित होती देख शिल्पी की दोनों आंखें अपनी ज्योति को बहुत दूर भीतर भेज देती है और द्वार बंद कर लेती है। इससे यही फलित हुआ कि इस अवसर पर आंखों का अनुपस्थित रहना ही होनहार अनर्थ का समर्थन है। वे आंखें भी बहुत दूरदर्शिनी है। थोड़े में यूं कहूं कि शिल्पी के अंग अंग और उपांग उत्तमांग तक उस पथ के पथिक बने हैं जिस पथ के पथिक पद बने हैं। शिल्पी के एक एक अवयव यहाँ अपना विचार व्यक्त करते हैं। शिल्पी की रसना ने अपना विचार व्यक्त किया, वह समर्थन नहीं करती माँ के माँ माटी को कुचलने का। फिर उसकी नाक ने भी इस बात का समर्थन किया
कि पांव कुचल नहीं रहा है, बड़ी अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। क्यों कि कुचलना बुरी बात है, यह मैं मानती हूँ। अब पदों का इस कार्य से विराम लेना न्यायोचित है और पदोचित भी है। अब तीसरा अवयव भी आता है आँखों का, बाल भानु की भांति, बाल सूर्य की भांति, विशाल भाल की स्वर्णाभा, शिल्पी का विशाल भाल, उसकी स्वर्णाभा, सोने जैसी आभा, कुंदित भंगित होती हुई देखकर दोनों आंखें भी अपने सामने आती है और अपनी ज्योति को बहुत दूर अंदर तक भेज देती है। शिल्पी के विशाल भाल पर जो भाव निकल आए हैं रसना के विचार के माध्यम से, नाक के विचार के माध्यम से, उससे यह दिखाई देता है आँखों को कि उसकी मति कुंठित हो गई है, कुंदित हो गई है, भंगित हो गई है। वह भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जो माँ माटी को पदों से कुचलना चाहता है। तो दोनों आंखें अपनी ज्योति को, अपनी देखने की शक्ति को, अपनी दृष्टि को बहुत दूर अंदर तक भेज देती है, भीतर तक भेज देती है, और अपनी पलकें, अपने द्वार बंद कर लेती है, उसकी ओर वो देखना भी नहीं चाहती। क्योंकि ऐसे अवसर पर दृष्टि का, आंखों का अनुपस्थित रहना ही होनहार अनर्थ का समर्थन है। अनर्थ का समर्थन, होने वाला, घटने वाला जो अनर्थ है उसका समर्थन नहीं करना, इसके लिए आंखें अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, अपनी पलकें झुका लेती है, बंद कर लेती है, और अपनी दृष्टि को अंदर तक, दूर तक भेज देती है। अपनी दृष्टि को भीतर तक भेजना आंखों का काम यहाँ बताया है, पर ये दृष्टि निश्चय की ओर इंगित करती है, निश्चय की ओर संकेत करती है। क्या सही क्या गलत, उस एक की ओर, उस एक की ओर अपनी दूर दृष्टि वह ले जाती है आंखें। ये भावेंद्रिय, आंखों का जो भावेंद्रिय का काम है, भावेंद्रिय आंख जो है वह अपनी दृष्टि भीतर तक, दूर तक ले जाती है। कहाँ तक? निर्विकल्प अवस्था तक, कि नहीं इससे हमें कुछ देखना नहीं है, अपनी आंखें बंद कर लेती है, पलकें बंद कर लेती है। क्योंकि जो घटित होने वाला है वह अनर्थ है, उसकी सहमति नहीं हो सकती, और इस प्रकार होनहार अनर्थ का असमर्थन करने में ही वह अपना कर्तव्य समझती है, उचित समझती है। बड़ी दूरदर्शिनी है ये आंखें, दूरदर्शिनी आंखें, दूर का देखने वाली, पर अंदर तक भी दूरदर्शन होता है, श्रद्धान, दूर तक का श्रद्धान दर्शन होता है। और यह श्रद्धान ऐसा है कि थोड़े में कहूँ तो शिल्पी के सारे अंग प्रत्यंग, अंग उपांग उत्तमांग तक उसी पथ के पथिक बने हैं। किस पथ के पथिक बने हैं? जो अंतर दृष्टि तक हमें ले जाते हैं, सारी नए विवक्षा को छोड़ देते हैं, वहां न निश्चय रहता है और न व्यवहार रहता है, सबको छोड़कर निर्विकल्प होकर जो हमारी दृष्टि हमारे अंतरतम तक, तल तक पहुंचाती है हमें, उसका स्वीकार करने की बात यहाँ हो रही है। और इस प्रकार होनहार अनर्थ के असमर्थन से हम अपनी आंखें फेर ले, अपनी आंखें बंद कर ले और उसका असमर्थन करें, और हमारे सारे अंग उपांग और उत्तमांग तक, अंग उपांग, ये शरीर हमारा अंग है, ये पंचेंद्रिया हमारे उपांग है, ये उंगलियां हमारी उपांग है, ये आँखों की पुतलियां हमारे उपांग है, और ये मन, ये भावेंद्रिया, ये ज्ञान,
दर्शन, वीर्य, सुख, आनंद, ये सब हमारे उत्तमांग है। ये सारे उत्तमांग तक पहुंचने के लिए जो दृष्टि हमारी अंदर तक ले जाने वाली है हमें, और जो जो आज तक ले गए वो इसी मार्ग से गए हैं। आचार्य कुंद कहते हैं, आज तक जितने भी सिद्ध बने हैं वो इसी मार्ग से बने हैं, इसी मार्ग से गए हैं, तो उसी पथ के पथिक बने हैं सारे, राही बने हैं सारे। जो अपनी दृष्टि बाहर के सारे जितने भी अशाश्वत चीजें हैं उनकी ओर दुर्लक्ष करके, उनकी उपेक्षा करके, उनकी ओर न देखकर, उनका समर्थन न करते हुए अपने में, अपने स्वस्वरूप में लीन हो जाती है, वह दृष्टि ही सबसे उत्तम अंग है। और उस उत्तमांग तक जो पहुंचता है वह पथिक, उस पथ का राही ही उस दृष्टि तक हमें पहुंचाता है, उस उत्तमांग तक हमें पहुंचाता है। तो सबसे श्रेष्ठ उत्तमांग कौन सा है? हमारी निज ध्रुव शुद्धात्मा। और उस शुद्धात्मा से प्रति समय उत्पन्न होने वाली शुद्ध 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 पर्याय, उन पर्यायों तक यही हमारी उत्तमांग है। इस तक वो जो पहुंचता है वही पथिक सच्चा राही है, और वही उस राह तक चलता है, उस राह तक पहुंचकर अपना जीवन जन्म मरण के फेरे से अपने आप को मुक्त कराता है, संसार के सारे दुख से अपने को मुक्त कराता है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही पथ की मार्ग क्रमणा है। इस प्रकार आचार्य श्री मोक्ष का मार्ग शरीर को छोड़कर हमारे निज ध्रुव शुद्धात्मा तक पहुंचने का मार्ग इस कथा के माध्यम से, पदों के जड़ होने की कथा को लेकर, घटना को लेकर, प्रसंग को लेकर हमें समझाते हैं। और बाकी जो है वो अगले रविवार को फिर हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए विराम। अगर कोई गलती हो अर्थ लगाने में तो हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य श्री, हमारे सादरवी भाई बंधु हमें क्षमा करें। यहाँ विराम लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्त सदा देता। जय जिनेंद्र।